हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ कुछ नया अपडेट देने वाला हूँ। नया अपडेट देने वाला मतलब कि मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेसमेंट अपडेट के बारे में बताया स्कूल की, तो उसमें बताया था कि जब कुछ नया अपडेट मिलेगा या जॉब मिलेगा तभी जाके मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो अपडेट ये है कि मुझे जॉब मिल चुका है, मतलब जॉब मिला है। तो बेसिकली ये जो जॉब है ये मसाई की तरफ से नहीं मिला है, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। मसाई स्कूल की तरफ से मुझे जॉब नहीं मिला, जो जॉब मिला है वो मैं बाहर से अप्लाई किया है। मतलब मसाई के वालों बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ मतलब जॉब अप्लाई, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, उसके बाद नौकरी डॉट कॉम, ये सब हो गया सारे चीज। तो बाहर से मुझे जॉब मिला है और ये जो जॉब है बेसिकली मेरा जो काम है एज ए ट्रेनिंग डेवलपर ज्वाइन किया। ट्रेनिंग डेवलपर क्या होगा, पहला जो 3 महीना होगा उस 3 महीना को मेरा मतलब इंटर्नशिप टाइप का होगा। उस 3 महीना को मुझे एक पार्टिकुलर सैलरी दिया जाएगा और उस का जो मेरा परफॉर्मेंस रहेगा उस 3 महीना, मेरा जो परफॉर्मेंस रहेगा उस 3 महीना, उस परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके मेरा जो 3 महीना बाद जो परमानेंट होगा। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मतलब एक होता है ना कि एक इतना, हाँ ठीक है कि इतना लेवल का होना चाहिए, तो अप टू द मार्क अगर हुआ मेरा परफॉर्मेंस तो मेरा जॉब परमानेंट होगा। परमानेंट होने के बाद वो तो टेंशन नहीं है, वो तो पता है परमानेंट हो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह जो जॉब है मैं जो बेसिकली जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ ये 3 महीने के लिए नहीं है, पूरा परमानेंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम है। मतलब मुझे फिर कोई भी जाना नहीं पड़ेगा, सीधा रूम पे रहो और कंपनी का जो टास्क है उसे कंप्लीट करो, कंपनी का जो भी चीज़ है वो आराम से करते रहो। तो ये बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी है। तो इतना ही था कंपनी के बारे में कि मुझे जॉब मिल चुका है तो करंटली 3 महीने के लिए है। 3 महीने के लिए मतलब एज ए ट्रेनिंग डेवलपर ज्वाइन किया, 3 महीना बाद मेरा परमानेंटली जो है स्टार्ट होगा जॉब वो परमानेंटली स्टार्ट होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे, 3 महीना बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी अपडेट देता रहूंगा ना, क्योंकि अभी अच्छा लगता है कि देखो जॉब मिल चुका है तो अभी फिर से खुशी मिलता है कि भाई जब अभी तो भाई तो जॉब मिला है तो कुछ ना कुछ करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड में ये बताना चाहूंगा कि जॉब मुझे मसाई की तरफ से नहीं मिला। मसाई में लगभग मेरे 60 कंपनी मेरा डैशबोर्ड में था। इतना सारा कंपनी होने के बावजूद भी मैं सिर्फ 2 कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ, और 2 कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद भी एक कंपनी में मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। उसके पहले मुझे ग्रुप से निकाल दिया, मतलब मेरा रिजेक्ट हो गया। सीधा बात है मैं रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट मतलब क्या है, उस कंपनी का प्रोसेस ऐसा था कि एक कोडिंग असाइनमेंट था, उसके बाद मतलब पहले वो कोडिंग असाइनमेंट देते हैं, उस कोडिंग असाइनमेंट के ऊपर बेस करके ये लोग तो टेक डिस्कशन, टेक डिस्कशन मतलब टेक डिस्कशन करते हैं, स्किल विस्किल के बारे में कुछ क्वेश्चन वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा 2 इंटरव्यू राउंड था। वो जो राउंड था ये मैंने 3 राउंड में से एक भी राउंड अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी मुझे रिजेक्ट करके निकाल दिया। क्योंकि ये 3 राउंड के पहले एक डीएसए कंटेस्ट दिया गया जिसका बारे में कोई मतलब ऐसा बात नहीं था कि डीएसए कंटेस्ट होगा। उससे पहले मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था उसके बारे में। अचानक से डीएसए कंटेस्ट आया, बोला कि 24 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट करना है, 24 आवर्स के अंदर डीएसए कंटेस्ट कंप्लीट करो, जितना सॉल्व हो सके करूँ। तो मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने सोचा चलो भाई कोडिंग असाइनमेंट देंगे पहले तो कोडिंग असाइनमेंट करेंगे, उसके ऊपर बेसिस करके हमको अगर टेक डिस्कशन होगा। मैंने उधर हुप लगा के बैठा था कि टेक डिस्कशन में कोडिंग असाइनमेंट मिलेगा, कोडिंग असाइनमेंट मिलेगा। थोड़ा देर बाद देखा कि मुझे भाई ग्रुप से निकाल दिया गया और मेरा जो डैशबोर्ड था उसमें रिजेक्ट के ऑप्शन होता है, उस रिजेक्ट के ऑप्शन के उधर कंपनी का नाम था कि इस कंपनी से तुमको रिजेक्ट कर दिया गया। तो चलो ना ठीक है, मैंने तो मैंने मतलब मसाई से पूरा होप छूट गया कि मुझे जॉब मिलेगा ऐसा ऐसा। तो मैंने एक्सटर्नल अप्लाई करता रहा, तो एक्सटर्नल मतलब मसाई के बाहर अप्लाई करता रहा। उसके बाद 7 अप्रैल को मुझे फिर से एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ मसाई की तरफ से। तो उस कंपनी क्या मुझे सुबह सुबह मतलब एक सिलेक्शनल में ऐड किया गया। उस सिलेक्शनल में मैसेज आया कि तुम्हारा आज इंटरव्यू है, मतलब मेरा साथ और 2 4 लोगों का भी था। तो बोला कि स्लैक में अपडेट रहो, हम शेड्यूल देंगे कि इतने बजे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो उस सिलेक्शनल में अपडेट रहो। मैंने सोचा चलो भाई ठीक है अपडेट के, कोई कम से कम एक तो इंटरव्यू देने को मिलेगा। उसमें सिर्फ एक ही टेक डिस्कशन राउंड था, सिर्फ एक ही इंटरव्यू होगा, एक ही राउंड होगा, और उसके राउंड अगर अच्छा गया तो जॉब मिल जाएगा। भूख लगा के बैठा था भाई, जॉब होगा मतलब इंटरव्यू होगा देंगे शायद जॉब मिल जाएगा, प्रिपरेशन भी कर रहा था। थोड़ा देर बाद बोले कि आज इंटरव्यू नहीं है, कब होगा हम जल्दी ही बता देंगे कब होगा। चलो ठीक है मिल गया। तो उसके बाद मैंने अभी जो जिस कंपनी में जॉब मिला उसका एक इंटरव्यू था, उस कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो वो लोग मुझे ऑफर दिए और मैं उन लोगों को ज्वाइन कर दिया। तो भाई मुझे देखो अभी किसी से नहीं मिल रहा था तो इसे ज्वाइन करना ही था। ये लोग मतलब अच्छा ही था, पैसा अगर अच्छा देंगे तो भाई ज्वाइन तो करेंगे ही ना।
ठीक है, अभी देखते हैं 3 महीना बाद क्या होता है। तो बीच बीच में मैं अपडेट दिया करूंगा कि मेरा काम कैसा जा रहा है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारे बात शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।